अंबाला में अब आपको सीवरेज की रोबोटिक मशीन से सफाई होती दिखाई देगी। बरसाती सीजन को देखते हुए जन स्वास्थ्य विभाग ने स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत अंबाला कैंट व अंबाला शहर के लिए दो रोबोटिक मशीनें 40-40 लाख रुपयों में खरीदी हैं। इन मशीनों का आज अंबाला कैंट व अंबाला शहर में ट्रायल किया गया और सीवरेज मैंस को ट्रेनिंग करवाई गई। यह मशीन 30 फीट के अंदर तक जाकर गाद बाहर निकाल सकती है, जिसमें ईंट पत्थर भी आसानी से बाहर निकलेंगे। मशीन जनरेटर से चलती है और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत कैमरे व सेंसर लगाए गए हैं, जो सीवर में बनने वाली गैस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। इस मशीन के आने से अब सीवर मैन को सीवर में नहीं उतरना पड़ेगा, इससे उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं रहेगा। मशीन जो गाद बाहर निकालेगी वो भी अब सड़क किनारे नहीं छोड़ी जाएगी, बल्कि मशीन के साथ एक गाड़ी रहा करेगी। मशीन गाद निकालते ही उसे गाड़ी के अंदर डाल दिया करेगी। मशीन के साइट इंजीनियर ने रोबोटिक मशीन की खासियतों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे काम कम समय में आसानी से और कम लागत व कम लेबर के साथ किया जा सकेगा। मेरा नाम गौरी शंकर है, मैं यहाँ पे एज ए साइट इंजीनियर हूँ और यहाँ पे अंबाला ने एक अंबाला सिटी के लिए और एक अंबाला कैंट के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दो मशीनें प्रक्योर की हैं, एक अंबाला सिटी के लिए और एक अंबाला कैंट के लिए। हाँ जी, और ये जो मशीन है बेसिकली आप जो देख रहे हैं ये रोबोटिक मशीन है, बैंडीकूट द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट, जो कि फ्रॉम मेड बाय जेन रोबोटिक्स, केरला की कंपनी है जेन रोबोटिक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये जो मशीन है जो फुली रोबोटिक मशीन है, सेंसर बेस्ड जो मशीन है, इसमें क्या है कि एक जो स्टैंड यूनिट है जो आप देख रहे हैं, एक बाहर जो कैमरा की एक दो स्क्रीन लगी हुई है और जो गैस सेंसर है लगे हुए, वो उस पर गैसेस वगैरह डिस्प्ले रहती है, और जो बीच का जो रोबोटिक यूनिट है ये अंदर जाता है और जो कॉर्नर्स वगैरह है वो क्लीन इससे हो जाते हैं, क्योंकि एक इसके साथ क्या है कि एक रोबोटिक आर्म है तो वो एक्सटेंडेबल है, जो साइड में से कॉर्नर्स वगैरह क्लीन कर देती है। जनरेटर इसके साथ छोटा होंडा का जनरेटर है, तो घंटे का मान के जो हाफ लीटर इतना पेट्रोल इसमें चलता है जी। मेंटेनेंस इसकी कंपनी की तरफ से, अभी जो O&M है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो कंपनी की तरफ से है, ऑलरेडी यहाँ पे साइट इंजीनियर और सर्विस इंजीनियर जो यहाँ पे रहते हैं, जैसे मशीन चल रही है यहाँ पे परमानेंट रहते हैं, वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम आती नहीं है, छोटी मोटी मेंटेनेंस है वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, इजीली हो जाती है। हाँ, आज अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी जो सीवरमैन है, जो डिपार्टमेंट के जो सीवरमैन हैं, सीवरमैन जो उनको रिहैबिलिटेशन के लिए, जो कि सीवरमैन से एक रोबोटिक ऑपरेटर बन जाए, उनको अभी एक ट्रेनिंग अभी स्टार्ट की है ताकि वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के लिए सीख सके, आके अपना आराम से काम कर सके, नीट एंड क्लीन एंड दे कैन गो टू होम। हाँ जी, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत पूरे भारत में शिविर की सफाई के लिए रोबोटिक मशीन खरीदी जानी अनिवार्य की गई है, ताकि किसी शिविर मैन को शिविर के अंदर उतर जान न गंवानी पड़े। इस रोबोटिक मशीन के अंदर कई खासियत के साथ GPS कैमरा भी दिया गया है, जो रियल टाइम लोकेशन के साथ फोटो भी खींच कर भेजेगा, जिससे पता चल सकेगा आज कर्मचारियों ने किस जगह कितना काम किया। जन स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस मशीन का आज से ट्रायल शुरू किया गया है और आज शिविर मैन को ट्रेनिंग भी करवाई गई है, इससे शिविर मैन को फायदा होगा। वहीं लोगों को शिविर ब्लॉकेज व बरसात के सीजन में पानी रुकने की समस्या से भी निजात मिलेगी। दरअसल रोबोटिक मशीन जो है अभी अंडर स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये पूरे इंडिया में खरीदी जाएगी, अभी हरियाणा में, ये अपने अंबाला में अभी एक ही मशीन खरीदी गई है, जो कि जन रोबोटिक एक एजेंसी या फर्म है उसके द्वारा ली गई है। इसकी लगभग कॉस्ट 40 लाख के अराउंड है। ये क्या करती है, जो पहले आदमियों का सीवर मैन जो हादसे होते थे उसको बचाने के लिए, मैन पावर जो थी अपनी उसको रोकने के लिए बनाई गई है। इसमें कई कैमराज लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं जो गैस को डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जान माल की हानि होती थी। अब ये मशीन अंदर जाके मैन होल के अंदर से सारा उसको क्लीन करके और मैं ऑपरेट इजी टू ऑपरेट है ये बिल्कुल ही, और उसको कलेक्ट करके और फिर डिस्पोज ऑफ करेगी, जिससे कि अपने जो सीवर मैन थे उनको जान माल की गैस लग जाती थी उनको, उनसे बचाएगी। ये आज फर्स्ट डे ही था, फर्स्ट ट्रायल है ये अपना, आज पहला ही दिन था
तो आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने कवर किया इसको। तो ये अभी ट्रायल पे ही है। बेनिफिट्स इसका ये है, मोस्टली बरसात के पानी में जैसे ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, पानी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, तो जो गलियों का स्ट्रीट का पानी है वो इकट्ठा होता है। अगर ब्लॉकेज उसको रिमूव पहले कर देंगे तो पानी की स्थिति है जो वहाँ ऊपर नहीं खड़े होने की, ओवरफ्लो होने की स्थिति है जो, वो शहर में नहीं होने की, उसके बड़ा बेनिफिट मिलेगा उसको। हमारा पुराना फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज हैक हो गया है, लिहाजा हमने नया फेसबुक पेज बनाया है। कृपया फेसबुक पर खबरें देखने के लिए हमारा नया पेज लाइक और फॉलो करें।